फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल अकीलास किचन। कैसे आप लोग? अल्हम्दुलिल्लाह, आप लोग ठीक होंगे। अकीलास किचन में एकदम हेल्दी केक बनाएंगे फ्रेंड्स। ये बहुत ही हेल्दी और बहुत ही डिलीशियस बनता है। ओट्स, आटा, जैगरी, इस सब चीजों से ये केक बनता है। बनाना बहुत ही हेल्दी और बहुत ही डिलीशियस बनता है। आपके बच्चों को ये बहुत ही पसंद आएगा, बिलीव मी फ्रेंड्स। आप लोग जरूर इसे ट्राई करना और कमेंट करके बताना ये केक आपको कैसे लग रहा था। बहुत ही टेस्टी, पहले हमने एक बार इसे घर पर ट्राई किया था, उसके बाद हम आपके साथ में इसकी रेसिपी शेयर कर रहे हैं फ्रेंड्स। चलिए फ्रेंड्स, रेसिपी स्टार्ट करते हैं बिस्मिल्लाह बोल के। इसकी सामग्री देख लेते हैं क्या। आप ये रेसिपी जरूर ट्राई करना और कमेंट करके बताना फ्रेंड्स आपको ये रेसिपी कैसी लगी। चलिए फ्रेंड्स, ये हमने दो अंडे यूज किए जो फुल ऑफ प्रोटीन होते हैं फ्रेंड्स। बहुत प्रोटीन से भरे अंडे होते हैं, बच्चों के लिए, हेल्थ के लिए अच्छे होते हैं। ये ओट्स है, ये हमने 3/4 कप जितना ओट्स लिया है, जिसे हमें अच्छी तरीके से ग्राइंड कर लेना है फ्रेंड्स। और ये हमने 1 कप जितना आटा लिया है, घेहूं का आटा है फ्रेंड्स ये। और ये 3/4 कप जितना हमारा मिल्क है, आप देख सकते हो फ्रेंड्स। और ये हमने लिया है कोको पाउडर, 1/4 कप जितना कोको पाउडर है। गार्निशिंग के लिए हमने इसमें चौकोज लिए हैं। तेल है 1/4 कप जितना, देख सकते हो, रिफाइंड ऑयल लेना। और जैगरी पाउडर है 3/4 कप जितना हमारा जैगरी पाउडर। अगर आपको मीठा कम लग रहा है तो आप थोड़ा और डाल सकते हो। बेकिंग पाउडर है 1 टीस्पून, खाने का सोडा है 1/2 टीस्पून, और पिंच ऑफ सॉल्ट है। और 2 हम इसमें बनाना यूज करें, देखिए एकदम फ्रेश बनाते हैं, इससे मीठा भी बैलेंस हो जाता है और टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है। और वेनिला एसेंस इसमें ऐड करना है। चलिए फ्रेंड्स, बिस्मिल्लाह बोल के स्टार्ट करेंगे। देखिए इसमें हम 2 एग्स डाल देंगे और अंडे को अच्छी तरीके से हमें बीट कर लेना है फ्रेंड्स। देखिए अच्छी तरीके से बीट करने के बाद हम इसमें ऑयल ऐड कर देंगे, 1/4 कप जितना हमारा ऑयल है, रिफाइंड ऑयल है। और ये जैगरी पाउडर 3/4 कप जितना हमने इसमें जैगरी पाउडर डाला था। अगर आपको मीठा इससे कम लग रहा होगा, जैसे एंडिंग में हमें थोड़ा कम लग रहा था जब हमने टेस्ट किया था, तो फिर हमने वो टाइम पे से और थोड़ा जैगरी पाउडर ऐड किया, इजीली मार्केट में मिल जाता है। ओट्स को अच्छी तरीके से ग्राइंड कर लेना, इस तरीके से हमें इसका पाउडर सा बनाना है फ्रेंड्स। देखिए, और एक प्लेट लेंगे हम फ्रेंड्स, और प्लेट्स में जो है क्या करेंगे, बनाना हमें पूरा मैश करके लेना है फ्रेंड्स। देखिए फोक की मदद से इजीली बनाना मैश हो जाता है। अगर आप इससे ज्यादा आपके पास बनाना पका हुआ होगा तो वो भी चलेगा फ्रेंड्स। और जो जैगरी पाउडर वो से हमने मिक्स किया था, उसमें हम ये बनाना डालेंगे और अच्छी तरीके से पूरे लम्स निकाल कर हमें मिक्स करना है। फिर हम घी के आटे को छानेंगे, 1 कप जितना हम इसमें आटा लिया है, देखिए छान कर लेना। और इसमें जो ओट्स का पाउडर था वो हम डाल देंगे फ्रेंड्स। सब चीज अच्छी तरीके से छान कर लेंगे तो केक बहुत ही ज्यादा सॉफ्ट भी बनता है और बहुत ही टेस्टी बनता है खाने में। तो आप सारी चीजें छान कर ही लेना फ्रेंड्स। देखिए ओट्स का भी जो नीचे थोड़ा थोड़ा मोटा होगा या कुछ होगा तो वो निकल जाएगा, उतना जालीदार भी बनता है फ्रेंड्स वो। देखिए, और आप इस तरीके से ट्राई करना, बिलीव आपको बहुत अच्छा लगेगा ये फ्रेंड्स। आप लोग लगेगा कि अकीलास किचन में केक की रेसिपी थी, बहुत ही अच्छी थी। आपको सब रेसिपी पूछेंगे। कोको पाउडर ऐड कर देंगे फ्रेंड्स इसमें, 1/4 कप जितना हमारा कोको पाउडर है। बेकिंग पाउडर है 1 टीस्पून, खाने का सोडा है 1/2 टीस्पून, और पिंच ऑफ सॉल्ट डालेंगे फ्रेंड्स। सॉल्ट से टेस्ट काफी इनहांस हो जाता है मीठे का, तो आप जरूर डालना सॉल्ट। और अच्छी तरीके से हम मिक्स करेंगे। देखिए अभी पूरे हमने जो इंग्रीडियंट्स है हमारे, हमने मिक्स डाल दिए है। अभी हमें कट फोल्ड मेथड से मिक्स करना है। अभी तक हमने दूध ऐड नहीं किया है, पहले हम अंडे में, जैगरी पाउडर में देखेंगे इसमें कितना मिक्स होता है, उस हिसाब से हम दूध ऐड करेंगे। हमने दूध पूरा 3/4 कप जितना लिया था, थोड़ा थोड़ा कर ही डालना है, और हमें इसमें ज्यादा एकदम से नहीं डालना है। वेनिला एसेंस डालेंगे 1 टीस्पून जितना, आप इसमें वेनिला एसेंस डालना तो काफी अच्छी खुशबू भी आती है केक में और टेस्ट भी काफी अच्छा आ जाता है फ्रेंड्स। और दूध हमें जैसे जैसे लगता है उससे हम दूध भी यूज करते जाएंगे। और हमें इसे एक ही साइड पे अच्छी तरीके से मिक्स करना है। देखिए, आप जब भी इसे मिक्स करोगे तो कट फोल्ड मेथड से ही मिक्स करना। और देखिए कितना रिच लग रहा है, इतना चॉकलेटी लग रहा है, बहुत ही टेस्टी और यम्मी केक बनाता है फ्रेंड्स। आप इसे जरूर ट्राई करना, आपको बहुत ही अच्छा लगेगा फ्रेंड्स ये केक। और हम इसमें चॉको चिप्स ऐड करेंगे जो ऑलमोस्ट हर किसी के फेवरेट है। आप इसमें काजू, बादाम, अखरोट, जो आपको ड्राई फ्रूट्स पसंद है आप वो भी ऐड कर सकते हो। टूटी फूटी भी ऐड कर सकते हो इफ यू वांट फ्रेंड्स। और आप इसपे कोको पाउडर, देखिए कितना अच्छा कलर आया है कोको पाउडर से भी। हमारा चॉको चिप्स भी आप इसमें ऐड, व्हाइट चॉको चिप्स होगा आप वो भी ऐड कर सकते हो। और इससे बहुत ही अच्छा टेस्ट आया था। देखिए मम्मी ने मीठा थोड़ा चेक करे थे, थोड़ा कम लग रहा था, तो उस हिसाब से हमने इसमें थोड़ा और जैगरी पाउडर ऐड कर दिया। आप इसमें ऐड कर सकते हो अगर आपको मीठा कम लग रहा होगा तो। देखिए, और केक टिन को अच्छी तरीके से ग्रीस करना है ऑयल से, और बटर पेपर इसके ऊपर लगाना है।
सारे साइड पे भी अच्छी तरीके से ग्रीस करना। जब हम उसे डीमोल्ड करेंगे तो अच्छी तरीके से डीमोल्ड होना चाहिए। फ्रेंड्स देखिए हमने बटर पेपर भी लगा दिया। अगर आपके पास वाटर पेपर नहीं होगा तो उसके ऊपर आप आटा डस्ट कर देना, मैदे का या कुछ कर देना, तो इजीली हो जाता है। और जब हम डालने के बाद भी उसे अच्छी तरीके से एक और बार मिक्स करना है और फिर हम मोल्ड में डालें। देखिए इसकी कंसिस्टेंसी कितनी परफेक्ट और कितनी रिच चॉकलेटी लग रही है फ्रेंड्स। इस तरीके से आप बनाकर देखना, आपको बहुत ही अच्छा लगेगा फ्रेंड्स। और हमारे पास अखरोट है तो ऊपर आप अखरोट से गार्निशिंग कर सकते हो, टूटी फूटी जो आपको गार्निशिंग अच्छी लगती है फ्रेंड्स उस हिसाब से आप इस पे गार्निशिंग कर सकते हो। पहले हम ना इसे 30 मिनट के लिए रखेंगे, फिर 30 मिनट के में नहीं हुआ तो और 5 मिनट इसे रखेंगे। पूरे 35 टू 40 मिनट तक आप इसे रखना, कुछ वजन रखना। अगर आप इसे देखिए 30 टू 45 मिनट्स में ऐसे हो जाता है। देखिए हमारा एकदम, देखिए कितनी क्लीन निकल रही है हमारी, एकदम परफेक्टली हमारा केक बेक हो चुका है। और फ्रेंड्स आप ध्यान देना, इसे अच्छी तरीके से ठंडा करना, उसके बाद ही इसे अनमोल्ड करना। फ्रेंड्स देखिए हमने इसे कम से कम 1 घंटे के लिए ऐसे रेस्ट करने के लिए रख दिया था, फिर उसके बाद हम इसे अनमोल्ड कर रहे थे। साइड के एजेस पहले लूज करना है हमें। इतना टेस्टी और यम्मी बना था फ्रेंड्स, आप लोग इसे जरूर ट्राई करना और कमेंट करके बताना फ्रेंड्स आपको ये ओट्स जैगरी आटे का केक कैसा लगा। फ्रेंड्स काफी हेल्दी रेसिपी है, बच्चों के साथ आप इसे जरूर इंजॉय करना। फ्रेंड्स देखिए कितना क्विक और कितना इजीली हमारा डीमोल्ड हो गया। देखिए बटर पेपर भी निकाल देंगे, कितना सॉफ्ट और इतना अच्छा बना था फ्रेंड्स, इतना रिच लग रहा था खाने के लिए, चाय के साथ और भी ज्यादा अच्छा लग रहा था, बच्चों को भी बहुत ही अच्छा लगेगा। फ्रेंड्स देखिए कितना सॉफ्ट बना है, देख सकते हो आप लोग, देखिए जालीदार भी देखिए वो कितना बना है फ्रेंड्स देखिए, और कितना सॉफ्ट है देखिए, आप देख सकते हो चोको चिप्स भी हमारी नजर आ रहे हैं, देख सकते हो आप एकदम। ऐसे लग रहा ही नहीं कि आटे का केक था, ऐसे लग रहा है कि हम लोग मैदे का ही केक काटते पर एक्चुअल में आटे का कुछ भी उसमें टेस्ट नहीं आ रहा था फ्रेंड्स। तो आप लोग ऐसे ट्राई करना, और हम इस तरीके से सर्व करके देते हैं तो आप लोग इस तरीके से बच्चों को भी सर्व करके देना, सिरप डालकर चाय के साथ एंजॉय करना फ्रेंड्स, आपको जरूर अच्छी लगेगी। फ्रेंड्स जैसे हमने इसे चाय के साथ सर्व किया था, मम्मी आपको टेस्ट करके बताएंगे फ्रेंड्स। चलिए फ्रेंड्स देखिए मम्मी और आयशा की ऐसी बात चलते रहती है बीच बीच में वीडियो में। चलिए अभी मम्मी आपको टेस्ट करके बताएंगे। देखिए आयशा आ गई है करके, हम एक पीस खा के मैं बताती हूँ आपको। देखिए कितना सॉफ्ट है ये, देखिए ये बहुत बड़ा पीस है, मैं इसमें से थोड़ा आधा मेरी आयशा को खिलाती हूँ। आए थे येलो बोल, माशाल्लाह बहुत अच्छा लग रहा है, ऐसा लग रहा ही नहीं कि ये आटा ओट्स का केक है। हमने बहुत ही बेहतरीन लग रहा है, आप लोग बना के देखेंगे तो आप लोग को समझ में आएगा। और आप कमेंट्स करके बताना आपको ये केक कैसा लगा फ्रेंड्स। मैं मेरी तारीफ कुछ थोड़ी कर सकती हूँ, आप लोग बना के देखो, खा के देखिए, फिर हम लोग कमेंट। और ये हमने घर पे पहले ट्राई किया था कि कैसा लगता है इसका कॉम्बिनेशन, मतलब आटा और ओट्स का, तो हमने ट्राई करके देखा तो बहुत ही डिलीशियस बना था, इसलिए आपके साथ सेम वैसी ही रेसिपी आप लोग के साथ में हमने शेयर की है फ्रेंड्स। वालों को सबको ये पसंद आ गया था करके हमने बोले, और चाय के साथ बहुत ही अच्छा लग रहा था। आप जरूर इंजॉय करना और रेसिपी को इस तरीके से ही लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। चलिए फ्रेंड्स बाय, अल्लाह हाफिज, मिलते हैं एक नेक्स्ट रेसिपी के साथ, बाय बाय।